मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। हीर कंफ्यूज हो गई कि जर्नैल सच में है या भूत। खैर मैं तो जिंदा हूं, लेकिन बहुत जल्द हीर का वो हाल कर दूंगा कि वो जिंदा लाश बन जाएगी। उसका दिमाग हम इतना खराब कर देंगे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि उसके पास दिमाग है भी या नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब तुम किसी को यकीन ना दिला सको तो उसे कंफ्यूज कर दो। कर दिया हीर को कंफ्यूज। उस हीर की वजह से मैं अपनी मां से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घर से दूर रहा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं हीर से बदला जरूर लूंगा। मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हीर है। इस हैवान ने नैना को दो बार जिंदा जलाने की कोशिश की, नैना के दोस्त राहुल को भी मार डाला। अब देख कैसे तेरे दिमाग के साथ खेलता हूं, जैसे आज खेला था। कबर में शीशे के टुकड़े पड़े हुए। वहां कुछ भी नहीं है। इसे तो पहले से ही बंद है, फिर इतनी ठंडी क्यों लग रही है? हीर को तो सजा मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस जीते को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी पे चादर चढ़ाने वाला था ना आज, चढ़ाऊंगा तो मैं जीते की लाश पे कफन। और तेजी तू, तूने भी इस ब्याह के लिए हाँ करके अपनी शामत बुला ली है। मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब कुछ चला दूंगा। तेजी और जीती के साथ साथ हीर को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। नहीं सरप्राइज नहीं, शॉक। फिर देखते हैं इस घर में ब्याह होता है या माता। शीशे के टुकड़े पड़े हुए। वहां कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सब ठीक कह रहे हैं? क्या मैं सच में झल्ली हो गई हूँ? हाईवे पे हुआ बहुत बड़ा एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू। सूत्रों से पता चला है कार चलाने वाले अटवाल इंडस्ट्री के मालिक जर्नैल सिंह अटवाल थे और दुर्घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। जर्नैल तो एक्सीडेंट में मर गया, तो फिर मुझे जर्नैल का भूत कैसे नजर आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हाय रब्बा, की करा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई? जीता, जिससे मैं बचपन से प्यार करती आई, जो हमेशा मेरे सपनों में आता है, आज वही एक सपना बन के रह जाएगा। मेरे सामने तो रहेगा मगर किसी और का बन के। आज मैं जीते को खो दूंगी हमेशा के लिए। जीते, तुझे याद है तुमने मुझे ये गुड़िया दी थी, ये हाथों से बना के? तब मुझे कहां पता था किस्मत तेरी मेरी कहानी को एक गुड़ा गुड़िया का खेल बना देगी। कैसा खेल, जहां दोनों एक दूसरे के कभी नहीं हो पाते। हमारा साथ बस यही तक था। बोल ना जीते, बोल क्यों नहीं रहा?
बहुत अच्छा दिख रहा है, तुझे किसी की नजर ना लगे। कांग्रेचुलेशंस। आप तैयार नहीं हुए अब तक? वो जीते मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? तुझे तो पता ही है सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबको लगता है कि मैं झल्ली हो गई हूँ, मैं नहीं आ सकती। आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे आपको तो आना ही होगा। चलो ईर जी, बताओ क्या पहनोगे आप? जीते प्लीज जिद ना कर, मुझे आराम करने दे, मैं बहुत थक गई हूँ। जिद मैं नहीं कर रहा हूँ ईर जी, वो जिद आप कर रहे हो, और आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ये ड्रेस पहनोगे, ये तो मेरा फेवरेट कलर हुआ करता था ना, तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी पसंद बदल दी? लेकिन ये अब भी आप पे अच्छा लगेगा। जीती तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं क्यों कर रहा हूं हीर जी? आप ये पूछो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा हूं, वो भी आपकी वजह से। अब पीछे भी नहीं हट सकता क्योंकि वादा कर चुका हूं उनसे, अपने सपने, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां और सब कुछ कुर्बान कर रहा हूं क्योंकि आप ऐसा चाहते हो, और इसलिए मुझे मेरी इस तबाही को ना वो आपको आके देखना ही पड़ेगा। तुझे क्या लगता है कि ये सब करके मैं बहुत खुश हूं? मैं कांप रही हूं ये सोच के कि मेरा जीता मेरा नहीं रहेगा। मन तो कर रहा है कि ये सब रोक दूं, तुझे ना जाने दूं और सबको कह दूं कि तू सिर्फ आपने जो अभी अभी कहा वो आप महसूस करते हो ना? और सच कहो वीर जी, तो मुझे पता था, तो पता था मुझे। जीते प्लीज, तुझे मेरी कसम है तू मेरी बात पर ध्यान नहीं देगा। अब बात हमारी नहीं है, बात बच्चों की है। पहले मुझे ये बताओ आप सच में मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो ईर जी, बोलो ईर जी। मैं तुझे कहना ही नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था कि तुझे खोने का डर, अपना दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अपने प्यार को, अपनी खुशी को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार थी, बच्चों के लिए। मुझे लगा था कि मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी हैं। जीते प्लीज, इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती और अब तो बात भी नहीं करना चाहती। तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, और तू ये ब्याह करेगा। मैंने जो अभी बात की है ना, उसे अपने दिमाग से मिटा दे प्लीज।
जीते। वो साजना तेरे इश्क छुपे के दुनिया दिखे अखियां दा नूर तेरा दिल दा कसूर मेरा जोगी बनाया तूने ओ साजना कि मैं समझावा तेनू चला जे सरूर तेरा जीना सिखाया तूने ओ साजना मेरे ओ साजना आपको कभी माफ नहीं करूंगा हीर जी। आपने हम दोनों की जिंदगी का और हमारी खुशियों का फैसला अकेले ले लिया, तो इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और अब तो मैं पीछे नहीं हट सकता, उन सबसे वादा कर चुका हूं मैं। लेकिन हीर जी, वो आपको इस व्याह पर तो आना ही होगा। बहुत बड़ी कुर्बानी ली है ना आपने मुझसे, तो उसका मोल आपको चुकाना ही होगा। ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं आपको। और हाँ, जिस वादे की लाज रख रहा हूं मैं, उसके लिए ब्याह कर रहा हूं। लेकिन जाते जाते वो आपसे भी एक वादा कर रहा हूं मैं कि अगर आप उस गुरुद्वारे में नहीं आई ना, तो मैंने ये ब्याह नहीं करना। ठीक है, तू जीतता नहीं। रांझा हीर जी, मुझे मेरा नाम रांझा है। वो तो हमेशा से आपकी बात मानता आया हूं ना, इसलिए बचपन में आपने मुझे जीता नाम दे दिया। बस उसी को अपनी पहचान बना लिया मैं। लेकिन अब नहीं। और एक और बात कहूंगा आपसे कि ब्याह मैं करूंगा, लेकिन आप गुरुद्वारे आएंगे तब, क्योंकि हीर जी, वो हीर के बगैर तो रांझा जिंदगी में एक कदम भी नहीं चल सकता। थैंक यू सनी, अपना व्लॉग बना रहे हो? मम्मा को भी लेना व्लॉग में, ओके? हाय, बिल्कुल, मैं तो पूरे शादी का व्लॉग बनाने वाला हूँ। एक मिनट सनी, सिमरत, तुम दोनों खुश तो हो ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आप दोनों के लिए कर रही हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रही? ऑफ कोर्स मम्मा, हमें जीता चाचू बहुत पसंद है, मेरा मतलब पापा। हाँ मम्मा, वो सबसे बेस्ट है। अरे मेरा बच्चा, अभी मुझे इसकी जिंदगी से गए 2 महीने भी नहीं हुए और ये सच धज के दोबारा दुल्हन बन रही है। तूने हमेशा हीर का साथ दिया है, लेकिन आज अगर तूने एक कदम उठाया तो उसका अंजाम तेरे लिए भी दर्दनाक होगा। पुत्र हीर, वो आ जाएंगे सरताज साहब, चलो चलने। तेजी कितने रह गए? अब वो ब्यूटीशियन आई है ना पार्लर से, तेजी तैयार हो रही है। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं उसका। ना ना, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा है कि वो तैयार होके अपने आप ही गुरुद्वारे आ जाएगी। वैसे भी मेहमान आने शुरू हो चुके होंगे, हमें निकलना चाहिए। ठीक है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं हीर को उसकी खुशी, उसके प्यार, उसके चीते से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। खून जा के मेरा बदला पूरा होएगा। हे
ये सच्चे बादशाह, आज मैं अपनी सारी जिंदगी आपके हवाले कर रहा हूं। ओके, जो आपकी मर्जी। हीर पुत्र, तू यहाँ? मुझे तो लगा था कि तू नहीं आएगी। मम्मी जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे तो आना ही था। जीते पुत्र, बैठ जा ना, टाइम हो गया, तेजी आती होगी। ये तीजी कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? और कितना टाइम लगेगा? मैडम बस 5 मिनट। वो मैडम, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो पूरा ट्रैफिक जाम है, इसलिए लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। ये तेजी कहाँ रह गई? मैं भी यही सोच रही हूँ अटवाल साहब, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं फोन मिलाता हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या, फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? इतनी देर कहाँ लगा दी उसने? मुझे कैसे भी करके तेजी से पहले गुरुद्वारे पहुंचना होगा। तेजी जी कहाँ रहेगी? घर से तो निकल चुकी थी। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं जीते। अब हीर पुत्र, तुझे पता है तेजी कहाँ है? नहीं मम्मी जी, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कितनी देर से यहीं पे हूँ। पुत्र, बुरा नहीं मानना, लेकिन कल से तू बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही है। पापा जी, जनैल जिंदा है, कब्र में शीशे के टुकड़े पड़े हुए। वहाँ कुछ भी नहीं है। कम से कम आप तो मेरी बात पर विश्वास करो। आप मेरी बात को समझो। हाँ, ना, झूठ नहीं बोलूं मैं, सच बोल रही हूँ। हाँ, 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 हाँ। कहीं तुमने तो तेजी को कुछ? राजविंदर, जी मैं इल्जाम थोड़ा ना लगा रही हूँ हीर पे, हो जाता है, दिमागी बीमारियां होती हैं, उसमें इंसान को पता नहीं चलता, वो कुछ भी देखने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। हो सकता है कि तूने अपनी बेख्याली में कुछ कह दिया उल्टा सीधा। मम्मी जी, आप क्या बोल रहे हो? बस कर राजविंदर। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, अब ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर। जीते पुत्र, हूँ तू कहाँ जा रहा है? तेजी जी को लाने। ये दुल्हन तो ऐसे ही आ गई है, ब्याह का जोड़ा हाथ में क्यों लेके आई है? पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। तेजी पुत्र, तू तैयार होके नहीं आई है, और ये ब्याह का जोड़ा अपने हाथ में लिया हुआ तूने, क्यों हो गया?
ये जोड़ा दुल्हन का है मम्मी जी, और इसे दुल्हन ही पहनेगी। हाँ पुत्र, तो दुल्हन तो तू ही है ना? नहीं मम्मी जी, दुल्हन मैं नहीं। दुल्हन हीर है। और ये जोड़ा हीरी पहनेगी।